चैतन्यं शाश्वतं शांतं योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे जन्म जन्म मर गया नक चोरा सीमाई हरि राम कैसे मिटे सतगुरु मिलिया ना अगर जो
टोटल जीव मात्र जो है जाग बम लगान सूरज डर जो भी करे जो सब काके लिए सुखी हो बागे लिए सुखी हो जावा यो कार्य करा सुखी हो जावा यो कार्य करा सुखी हो जावा। दौड़ रहा दिन रात सदा इस जग के कार विहार रात दिन इस संसार का झगड़ा का मिनट दौड़ और जो सपनों है जटी का न दौड़ दो ना जटी का दौड़ दिया विचार करके देखो भाई आप हंसी खुशी हुई राजी यहाँ का मैं वास्तविक बात समझ में हूँ राजी यहाँ समझ में हूँ राजी यहाँ समझ में हूँ राजी हो जी तो देखो एक आदमी जो है डॉक्टर करने के गियो ना जो पेट दुख रही और आंखें दुख रही वो दवाई दी पुड़की बना दी कि ये आंखें में डाल दीजिए थोड़ी सी आंखें में डाल दीजिए और थोड़ी अलग पुड़की दी जो दी भैया पुड़की को ध्यान रख दे या पेट के लिए जो बाकी ले लिए पानी पी ली वो चली होगी थोड़ी देर में एक मरीज और आ गया जो वो भी पेट दुख रही और आंखें दुख रही पैर वाने वो की वही दवाई दी कि भैया आंखें में डाल बाकी भाई या पेट में ना हाँ पेट में ढोकबा कर लिया पी बाकी वो भी चली होगी अगर देखो दोया का मीनू एक आदमी जो पचे गियो जी वो कही अगर थोड़ा दिन मंद बुद्धि हो समझ में ना आई याद में रहेगी तो वह भूल गयो वो कुड़किया ना जो पेट के लिए है जिसने तो आंख में डाल दी और जो आंख के लिए है वह पेट में डाल दी अब नतीजो कहीं मिले जो पेट की है जो तो आंखिया में और आंखिया की जो पेट में दो ही काम उल्टा हो गया क्योंकि पेट भी ज्यादा दुखबल आएगी और आंखिया भी ज्यादा दुखबल आएगी अब उस रात नहीं गले गाट बुलाएगी वो डॉक्टर ने वेदराज ने वो सुबह ना उठियो जल्दी जल्दी उठ गियो और वहां पर रीस करी तो वो क्यों बैठ रीस मत कर बैठ थोड़ी देर का नहीं ना वो आदमी भी आ गया जो वहां का पहली गियो वो गियो थी जान वो बैठियो देख कर कभी थारे किसान रह गए वो क्यों मारे ठीक है पेट भी ठीक है आंखें भी ठीक है और बाकी भी निकाल बताई वो क्यों या तो मैं पेट के ले ली और या मैं आंखें के ले ली वो क्यों वहा दी या आंखें के ले ली तो या तो तू उल्टी ले ली डॉक्टर ने दोष दे काम चाल तो वो परमात्मा है जो डॉक्टर है और वो दो चीज दी थी है आपन है आपन वो मरीज की जगह जो एक तो पेट और एक आंख या दो ही बीमारी संसार का मीना और तीजी बीमारी पहली बीमारी पेट की गई ना भरन जो रात दिन उदन उगे जो हुए डर गई ना भरबा में लगिया था पेट जो साधन बना रहे जो पेट भरबा के नहीं बना रहे इकली मेन तो रात निकली गली और आंखें की या बीमारी का अपन वास्तव में ना अपन जो अपन कट्ठे जानो
कठू आया यार, यो रस्तो ही न मिल गयो। आपा तो विषया भी नहीं अठी का उल गया तका परतम पाची ये परबल जोदारे ये मरे नहीं ले वे मार शबद सप रसी रूप रस गंदा ओने नहीं देवे पार फकीरी चलनो खाना कीदा। आपा ये खाडो यो पांच खाजा है ना विषया का जिका बीन पड़े तो वो रस तो देख लो वो केरो पांडव है ना वो पांच हजार अडी के सोहा और द्रोणाचार्य जी महाराज जो तीन लोक का मीना धनुष में सर्वश्रेष्ठ केवल घोषणा की थी अर्जुन के लिए जो अश्वत्थामा वहां को बेटो हो जो मैं आपको पुत्र हूं और आप इन दूजा ने इन अर्जुन ने इके घोषणा कर गई हो संसार का मैं होना चाहूंगा आपको पुत्र हूं विद्या देवाला तो हार हो पचे वही क्यों यार शंका प्री निकालने पेड़ जो एक रोपड़ो हो बड़ो बड़लो जी पर एक यंत्र तर दियो चेड़ी को और पचे वाने को निशानो सादोर भाई जो केर वाने क्यों जो वह निशानो सादियो दुर्योधन वो कहीं ना वहां को भाई हो छोटो जो दो ही निशानो सादियो दी महाराज की लोग भी कई दिक्कत है का मना वो रोपड़ो दिख रही और चेड़ी की पूंछड़ी दिख रही और मुंडो दिख रही और सब दिख रही वही को बैठ पचवा दुशासन ने कियो तो वही है कि यही जवाब दियो दे तनो कोई को बैठ जाए अशान पांडवा मु भी एक दो को नंबर ले पचा अर्जुन को लिदो कहां अर्जुन निशानो साथ को चढ़ी है जिको निशानो साथ में जो जो ही तीर बाण ने सामने ले और निशानो साथियो दी महाराज कियो के ठेर लगाणो को अरे काली निशाना का ऊपर है जो जो ही निशान लगा ने क्योंकि हाँ बोल खाई दिख रही हो का मने केवल वात चड़ी की आंख नजर आ रहा बस उरी भी तो चीज है गेला का मैंने साइड में आलड़े पालड़े बनवाना क्योंकि आंख में ही तीर चलानो जो वह आंख ही दिख रही आ जिंदगी की गाड़ी और साइकिल मोटरसाइकिल चलाओ जो ब्रेक ने घाटा हाथ में रखे आगे ध्यान रखे गाड़ी का खाडो और कोई आगे आ रही हो कोई पाछो आ रही हो पर इका मीना अपन कहीं नंगे ही कोने या नहीं ब्रेक गाड़ी खाडा में जाने जो चीज है जिकी पूर्ति अपन होनी चाहे वो तो हो नरी अरे सर्व दुखा की निवृत्ति आप चाहे मारो दुख परो मिटे और मन आनंद की प्राप्ति हुए और वह हो ही नरी फिर भी आप जगह जगह है ना पंत पंत की खेसता पंत पंत के माय अरे बिना पंत के धाम है जहां पंती पूंगा ना भरी में मुंड मुंडाई ली भरी में लेवे भेग खबर नहीं जगत मुक्त की झूठा करे हले शरण लेवे भेग को हुनर छूटे ना व्यता भूलिया पर जगत में यूं हरि राजी राय जडिगला पाड़ देख लियो बूम मत जडिगला पाड़े मुंडो कर दियो छठी का देख लियो मगर वेदांत कहवे कि पांच लक्षण होवे वन गुरु धारण करना चाहिए वेद अर्थ को भले पहचाने आत्म ब्रह्म रूप एक जाने दो लक्षण का वास्तव में जो सब शास्त्र का सार न समझे सिद्धांत न समझे और एक आत्मा को ही परमात्मा समझे वह गुरु होना चाहिए। आप तो कोई किली मान रहे हो कोई कटी गई लटकी हो तो कोई उठी गई आप ही लट गई है और जा रही है भाई कोई देवरे जावे कोई देवता ने क्या जानते हैं ना जावे काम हुए नहीं डब्बे उड़े दूसरे डब्बे काम हुए डब जा अठी का काम ना हो रही तो ही डबिया तक आकर मांगे तो गुरुजी उड़े है तो ही नारियल ले है ना जटा तक वास्तव में शांति न मिले जटा तक परमानंद की प्राप्ति न हुए और दुखा की निवृत्ति न हुए जतरे आपा उलझिया तक है ना इलिए पांच लक्षण बताया कि वेद अर्थ को भले पहचाने अगर पढ़ियो तो को वे तो सुन लीजो वेद अर्थ को भले पहचाने आत्म ब्रह्म रूप एक जाने वेद पंच की बुद्धि नसावे अद्वै अमल ब्रह्म दर्शावे ब्रह्म बहु मिथ्या ब्रह्म भगत कृष्ण समाना अनुलव यम भागत नहीं आना सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा अरे लाइश जोग छेदक शिका अन्न लुंचित केश ये जो लक्षण वालो गुरु है जो ये दो काम न करे पासले लाइट की लेन में कीमती के छेद के शिका ने लुंचित केस शिका के वा चोटी ने जो शरण में जाते ही पहली चोटी भरी कर एक चेलो बनते ही पहली रुंगचा पर पाड़े ये सब रुंगचा ने माताओं पर पाड़े अटकियों को वे गुरु अरे जो शांति मोक्ष की प्राप्ति करावे
वे गुरु तो न तो रूंगचा पड़ा न चोटी का इलिए और अपन संकवत देखो पार्वती जी पूछो शंकर भगवान ने मोक्ष के न कहवे तो वही क्यों नहीं मोक्ष से वासो अस्ति न ग्राम्यांतर में हुआ अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो बस अज्ञान के द्वारा जो हृदय में ग्रंथि पड़ी थी है वह ने मोक्ष के और कहीं मोक्ष कटी मिले थोड़ी की जो पाताल में मिले स्वर्ग में मिली कटी मिली मोक्ष अरे अज्ञानो जो मीना अपना हृदय में ग्रंथि है गांठ पड़ी थी है कि मैं कौन हूं यात्री बात में अपन न जाना यही तो अज्ञान है और मैं हूं कौन हुई ने जान लेनो ही ज्ञान अरे अपने आप ने जानो ज्ञान है और अपने आप ने न जानो अज्ञान है और ज्ञान और अज्ञान में समझ गयो तो बच्चे समझ लो कि ये सब शास्त्र जजरा भौतिक पाड़ा जो बदलने आ गया है ना ये इपई बनिया तक है सारा ये दो चीज ने समझावा के लिए है ना चार वेद छह शास्त्र की विद्या अपराजान परा जान ले ब्रह्म जान ले जासुते परातिशि को मान अरे तू वह ब्रह्म ने समझ ले वह परमात्मा ने समझ ले बस तो ये सारी होगी पूरी बाकी तो ये सारी विद्या जो तू पोती पालड़ा उसीन तो ही रहे है ना कई फर्क न पड़वा मैं भुगत में 84 आया गर्भ में बहुत दुख पाया प्रभु की अब अविद्या हृदय में अच्छा संसार का मीना वेदवादी पंथवादी घना ये बात है सो समझन महात्मा अत्रो इशारों की तो बोल भजन में क्यों सत्संग में बिन सत्संग विवेक नहीं होई राम कृपा बिन सुलभ न होई अब अड़े सत्संग का मीना आया के बाद में विवेक हो और विवेक न हो तो समझ लेनो कि ये सत्संग होई भी को ना शांति न मिली तो समझ लेनो सत्संग भी को संत भी भाई कोई रोकड़ा की छाया में जान बैठिया बची जो अगर आपने शांति न मिले आराम न मिले तावड़ो लाग रही तो लाग रही जीव घबरा जी घबरा जी तो तावड़ा में ही बैठा छाया की तो भ्रांति भाई पानी में जान डूबकी लगाया बच्चे शांति न मिले जीते तो बच्चे तो पानी में ही डूबकी हुई इलिए भुगत में 84 आया गर्भ में बहुत दुख पाया प्रभु की है प्रबल माया अविद्या हृदय में छाया या अविद्या जो हृदय का मीन है ये जो छेदन कर देवे मरकट जो दे परछाई पड़िया अंधकूप के माय एक राजा हो ना सुन जो भाई देखो बच्चों में बोले जो विक्षेप एक गड़ी आदि गड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरे को अतिरिक्त देर के लिए भी कोई साधु की संगति होवे यदि साधु की संगति न हुए तो न हो सके करोड़ अपराध उडबली पानी का मीना यहाँ डुबकियां लगा लगा निकल बो करो गंगा जी में पूज कर मीना जगह जगह खई हो बम पर साधु की साधु का लक्षण इंद्रिय जीत उपाधि रहित पाकन ढोंग नहीं कछु नेड़ो केवल ब्रह्म विचार करे नित दूर करे सब माया को छेड़ो आत्म राम ये नित राखत रीति सिद्ध जी त्याग सेड़ो के हरि राम साधु के ये लक्षण सदा सुचन नहीं कोई जेड़ो कटी बंदियों तो कोई ने वास्तव में साधु का लक्षण तो ये और बाकी संगति करे तो करोड़ अपराध उठी खत्म हो जाए ये हो प्रैक्टिकल करा दी एक राजा हो ना जो वो विचार की तो मैं गीता को ज्ञान होना बड़ा है जिन्हें गुरु महाराज गीता को ज्ञान बड़ो है तो गीता का ज्ञान सुना बड़ा महात्मा ने गुरु बड़ो ये आन फरता फरती एक जमात आएगी गांव का मीन और वो राजा भी दर्शन करवा के लिए गयो हुआ ने क्यों कभी मैं शायद गीता को उपदेश लेते तो को गीता को जो ज्ञान में समझता है महात्मा अच्छा जिनक गुरु की बड़ो सदी वक्त क्योंकि आपना महाराज है ना मेन मांग जमात का जी ये मेन थे मालिक जी ये सब गीता और ज्ञान की सब चार वेद ठहरा प्राण हार ही जाए वह क्यों कह दी राजा विश्वास कर लियो राजा हाँ बड़ा और वह भी मेन बड़ा आते हो बड़ा दगार बड़ा मेन वहां का दो दस बीस पचास पांच चेला चांटी के बाल राजा जान वहां का पगा पड़िया ने क्यों का बोल भाई कब मैं गीता को ज्ञान हूं को छो छो मारे ऐसा गुरु जाओ बे किनी केणो कौन है और यो ज्ञान किनी बताओ कोई ने हुन ले किने भी ने बताणो मैं हुनो तने गीता को ज्ञान सुन ले गीता को ज्ञान केवल दाल बाटी कई क्यों महात्मा गीता वो ज्ञान केवल दाल बाटी
कहाँ के वो जमात वाला दाल बाटी उसका आदम चुने वाले कहीं देखे ही बोले केदियो जो शेष मान लियो राजा और चलियो गियो और ज्ञान वो समझ लो बस गीता को पूर्व ज्ञान अपन बेच और अब वहां के जो भी उठे जो महात्मा लोग आवे ना वो जमात तो चली गई और पीछे वो महात्मा लोग आवे जी के लिए वो पाछे नियम लगाई दो कोई भी महात्मा आ जावे गीता को ज्ञान सुना दिन जेल बंद करो बोलो जो अटा मारा राज्य में आ जा जा पकड़ लाओ और वन को गीता को ज्ञान सुना और न सुनाओ जी नहीं जेल में फिट करो अब खशान माने वो आगे तो दूजी बेड की दिमाग में ने फिट दियो उल्टी दाल बाटी राजा है पोस्ट भी है वगैरह पावर भी है अब कोई छोटे मोटे तो कोई उलांगी जावे मानो जो जावे जो ले जाने जो कोई गीता का श्लोक जाने जो श्लोक सुनावे कोई हिंदी में जाने जो हिंदी में सुनावे कोई हर सुनावे पर वह कहे नहीं भैया गीता का ज्ञान नहीं है तुम पाखंडी हो बंद कर दो इनको जो आचा आचा जानकार महात्मा ने सबने जेल में बंद सब काया हो गया और फरता 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 फिर एक दूसरी जमात है यदि वो गांव का मैंने चेला ले खंदे भिक्षा ले बले जो सुनाए जो पाछो भाग रह गयो क्योंकि अटे डब्बा काम कोने अटे गीता हो गया जेल में बंद करा घणा मन कर मिलिया अटे जेल में ना पर अटे डब्बा काम काम वो जो शान की बात जो आत्मा क्यों रे अतरा और जो को खूब बंद कर मिले थी वो विचार के तो का आखिर तो कोई ज्ञान समझ बाला यहां का हो मगर ये राजा का कहीं उल्टी बैठी थी है ना जो बात राजा का दिमाग में उल्टी निकाल बगे लिए बच्चे दूसरा ने मगर चेला ने भेजो तू जा पा और वाने यूं कहनो अशांत बन दो के मारे गीता को ज्ञान जान वाला गुरुजी छ जो लई हुआ जमात तो ये आ गया दूसरा गांव में ठेरी नुओ पर तो गांव में गयो थी वो क्यों का मारा के मारे गीता को जानबा वाला गुरुजी छवे तो मैं वाने गुरुजी धारण करना खटी देख्या वा आपने राजा जाने ना गीता ज्ञान तो आपने राजा ने गौर को है तो चलो मैंने ले चलो राजा के जान भोग दी और प्रणाम की तो और भाई कई गीता ज्ञान गीता ज्ञान तो मैं इंडिया दाल बैठी है ना बस जगह वो हमें क्यों गई थी इन्हीं अटकार लटकाई क्यों है नंगे फड़ गया पच्चा वाने के बाबो मतलब समझे है ना खोटा गुरु खावड़ा चेला खोज बड़ी नंगटा की अरे हाकम आई हकीकत पूछे जदी अमी भूख जावे होटा वास्तविक ज्ञान को पतो ही कोना और बच्चे कोई खटी के बन जाओ मरकट जो देख परछाई पड़िया अंध कूप के माई भूला स्वरूप सुखदाई प्रभु की भक्ति भी सिराई अगर जो मोक्ष चाहते हो गुरु की लो सो देखो छोटो उस दृष्टांत उ बांदरो मरकट के बंदर ने जो पानी को कूड़ा की जो पाठ रेवे जिको ऊपर दोपहर का टेम में जान बोटियो जो महीना जा क्यों ना कूड़ा का महीना जो वही बंदर नजर आयो वहां की परछाई दिखी नहीं क्यों महाराज बेल के वो दिखी हार नजर आयो जिशान हुआ की बांद्रा की परछाई दिखी जो मीना देखी जो वो समझो कि मीना भी कोई बांद्रा घराना शान ज्ञान न है बरु ये आल 10 दिन पहले मैंने हटाया जो घनी देर बैठा रिया ये आट मोटरसाइकिल पड़ी जो एक चढ़ी जो वो कांच के दे 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 बोली मरबो मंजूर कुण वा सोच टूट गई मीना चढ़ी जीग रही है ना टूचा की दे दे क्यों को माने ज्ञान आपने भी अतरो के ज्ञान है जब है अरे हाथी ना हाथी बन बैठो कीड़ी में तू छोटो क्यों हो ही मावत ऊपर बैठो हाकण वालो तू को तू चोरा में चोर बन जावे बदमाशा में तू को तू अरे चोरी करके भागन लागो तो पकड़बा वालो तू को तू चढ़ थल जीव जंतु जग माई जा देखे जा तू को तू नर नारी में एक विराजे दो दुनिया को दिख बेहतरीन बात समझ गया तो क्लेश सब मिट गयो कि एक ही दीकर सब में दे तो क्लेश मिट गयो रे तो दीख रिया तो क्लेश मिट बा मां आज ये तो फलाना गांव का ये फलानी गोत का ये फलानी जाति का आ बीमारी है ना और असली रूप को जो अगर पहचान ले घट घट में साहिब सत जानिया घट घट में साहिब सत जानिया दुर्मति दूरी कीना अब हम गुरु का मातम सदी में गुरु का ज्ञान अगर आत्मा को जान लियो
तो फसे तो सब में एक ही कबीर कुआ एक ही पणियारी अनेक घड़ा सभी का न्यारा न्यारा मीने नीर तो ये यानी फालतू की लड़ी एक दूजे ने देख रहे हो वहां पर आंखें खड़े हो वहां पर आंखें खड़े हो वो बांदरो मीने पानी में जा पड़ी हो और मीने पड़ी हो तो कई हो मीने तो न तो कोई दूजा बांदरा है ना कोई की कोई न जान यो जीव रूपी बंदर है और यो भाव सागर रूपी कूप है इमे यो जीव पड़ी हो वास्तविक जो अपना स्वरूप न जान ले तो एक भरम है पटकते काई को फिरता गुरु बिन काज नहीं सरता चरणों में क्यों नहीं ब्रह्मानंद जी महाराज को दौड़ रहा दिन रात सदा कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाय बनारस वास कर अरे व्यापक रूप को पहचान लिया व्यापक रूप ने पहचान लिया तो भ्रम का भांडा फोड़ दिया बस है ना कोई तो मथुरा में जान हमारा कोई उठा हमारा कोई अटा हमारा कोई उठा हमारा पार्थी जी क्यों नहीं और फकीरी उन्हें वही फकीरी वा राम भारती जी सामरते मिलिया ये दिया शब्द तत्सार कल्याण भारती संता के शरण या खंड नाम आधार फकीरी खरदर खांडा भारती जी क्यों मैं अखंड नाम आधार अखंड खिन जो कदी खंडन न अब आप अखंड का आधार पर आंकन हुआ श्रेणी में आग उल्ला पाड़ी खंड क्यों भाई अब अयोध्या में ना मान मिलिया राम जी ने जीती तो अयोध्या अयोध्या में राम जी बाकी जगह में ना धरती फर जो और राम जी खंडी को ना अयोध्या में अजय तो खंडन राम जी अरे अखंड तो वो जो अयोध्या में है ना टी है ना मथुरा में है ना जावा जड़ा सुई टेक के जतरी जगह खाली है ना अखंड तो वो है अट मान लियो ना उधर कहीं कहो जो उधर रूनी जगह में ना मान मिलियो ना अट ना मान मिलियो मंदिर में मान मिलियो ना अट ना मान मिलियो अरे तू जिता माने जिता हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो या सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जो पानी है ना यह संसार जो है सिया राम को स्वरूप ही इले क्यों भटकते काई को बिरता गुरु बिन काज नहीं सरता ठीक ठीक डॉक्टर सही मिली थी बीमारी मैटी दूजू तो दूजी जगह तो घनी जगह भटक तो पैर ही कटी बीमारी मिटे है ना उठे चला दुख मिट जाए उठे चला दुख मिट जाए दुख तो कटे मिटे ही क्यों कजो दुख देखनो अपन है खाके लिए आंखें खोल बगले नीली आंख जो है जिको परमात्मा दिख जावे अपनो मार्ग दिख जावे वहां के लिए तो आप मेहनत कर ही कोई और मेहनत करा खाली पेट ने भर बगले पेट भर बगले तो बेली बनाई दो अरे नरी भजन बोले जो चोंच बना बड़ो चूको देसी रह रही थी लो तुलसीदास जी क्यों प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर तुलसी चिंता मत करे भजले श्री इकल लिए तो साधन पहली बन गयो एक खाली आंखें खोल बगे लिए मिली दो दो लोचन पशु और पक्षी त्रि लोचन विद्या के नाम है सप्त लोचन धर्मात्मा ज्ञानी के लोचन अनंत है ना वो कुमाराम जी महाराज बोले मेरे ऊपर कोई नहीं दिखे कौन करे मेरा लेखा चम दृष्टि का काम नहीं है चक्षु खुले विवेक आ विवेक रूपी जो मिली आंख जटा तक न खुले या खोल बगले सत्संग है यहाँ खोल के लिए गुरु है पर आपा तो कहीं दोड़ो बेड़ो खरबा में लगे थे केवल एक डोकरी ने कही एक मोर ही पुराना टाइम की बात समझ लो अपना गांव की मोर ही निकले और कच्चा मकाम है वह हमेशा कही करती का वह अशान वह पल्लो कही राती जी का पल्लो यूं बांध न गांठ दे न राती वह मोर और पच शाम की टाइम पर सूती ने यदि कही करती हुआ छुला का पड़ा हुआ जो आगे उखी के राव रेवे जिक पड़ा हुआ खोल न हुआ रावा का मैंने रख कर ऊपर बानी ढका अन पच हो जाती हां अगर नींद आ जावे यदि पच कोई चोर चुकार आ जावे कहीं पतो पड़ जावे हमाल लेवे जो मीन वा मोर न घुसा एक दिन ऐसे हुयो कवा जोई वा डोकरी वा आउट वा मोर न खोल बलाई जो खोली
और उनु योग उ वा को बात चमनी कही कह जो घर में ही जो बच अंदर हो गयो ध्यान न पड़ियो जो मोर तो नीचे पड़ी जो वा रावा में तो न पड़ी बा न पड़ी जो यूं गुड़ी गुड़ी गुड़ छेट ठीक मोर तो छेट पड़ी अब वा बाबा उठा मालबा लाई लाई वो देखो मोर पड़ गया मालबा लाई है ना उठे संभाल लगी यदि कोई आया बाहर बाहर निकले बाबा सुया कौन है के सुए गई मार गई मोर ही जो पड़ गई के जोर से बोलो राज का राग मिले नरे दिन यार फट पड़ गई जो कमीने जो भाई क्यों का बांडी दिखे अंधारा में हमाल रही हो तो उजीता में लेते कोई बाला क्यों का बाबा अंधारा में हमाल रही उजीता में मिले प्रकाश वेदी मिले उजिता मिले हाँ तो उजिता मिले बाने निकल घर बाने बाने शान लाइट को उजितो ही रहे थुंबो लाग ला उड़े यार तो रोड नो और जो धुलो ही हो जो धुला का मिले हमार में आए बार है ठीक हमार 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 था हमार था हमार था बारा एक ये मील में जब बड़ा गया मैंने रात में मोड़ा था ना एक दो बजे का एक बजे का अंदाज आता जी वो देखियो बाबा कहीं चमार वाने क्यों तो बाबा ने क्यों तो बाबा क्यों तो मारे शान शान मोर ही जो पड़ गई जो मुंह मार वो क्यों कदी डोकरी कदी देर माले आप हमला दाग है वही जुमिया दो तीन जना है ना दो चार जना जो वही जुमिया जो वह दूड़ो सब भेड़ो कर बैठे हैं जगह और सब ने छान छान देखे जो मोर निकली बैठे बाबा झूठ बोले अगले हाथ बोले है चोरी पचैता माने नींद खोटी करी थारी पड़ी भी है अगले पड़ी जो वही क्यों उन्हें छुला गया पड़ी बात एक ही पूरी छुला के पड़ी थी अंडे की रोपा हमाल नहीं तो छुला के अरे का भाया भाई क्यों का उसी दाम ला दी कि उसी तो उठो करना उठे जड़ पड़ी सिद्धांत केवल मात्र आप वह धूलो भिड़ो कर दिया वह हारे जीजान धूलो ही भिड़ो कर दिया बस जो वास्तविक जो चीज के ऊपर आपने नजर है ना वास्तविक पर नजर पड़ जावे तो क्यों भटकते काय को फिरता गुरु बिन काज नहीं सरता चरणों में क्यों नहीं पड़ता करे वो पार फलमाई आगे बड़ा बड़ा ने देखो जो गुरु महाराज का आगे कोई नहीं निकला राजा महाराजा बड़ा 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 सब गुरु जी ने आगे रह गया है ना और दो दो गुरु तीन तीन गुरु आगे जो भगवान है ना रामदेव जी हरि का जो भी अवतारी भी है सब दो दो गुरु चरणों में क्यों नहीं पड़ता करे वो पार फलमाई चरण किने कहवे ये चरण जो आपने ये आठ मार्च का चरण बनिया था का ये चरणा में पड़बो की न्याल न मगा ये मुंडा मु निकलन बोलने के वो चरण सा यो चरण सा वो चरण बोलने आज जी आप भजन का चरण बोल दिया ना मुंडा मु जी ये गुरु महाराज का जो संत की जो वाणी जी का ये चरण का मीन पैड़ी और यहाँ में विश्वास के जिद्दी काम वे दूजे पगा का चरण में तो मिली रात दिन तक पुड़ी रो और ये मुंडा का चरण को जो अगर ध्यान न लगाओ तो की अर्थ बदवा दुखी का दुखी भारती कल्याण यूं गावे भारती कल्याण यूं गावे सदा गुरुदेव मन भावे है ना और पदार्थ चार वो पावे होई गुरु भक्ति दृढ़ताई चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये संसार में अपना सबको लक्ष्य चार पुरुषार्थ ही है और चार ही पुरुषार्थ गुरु की भक्ति करे जिन्हें मिल जाए है ना अगर जो मोक्ष चाहते हो गुरु की लो सुनो बोलो सतगुरु भगवान की बोलो दाता दयाल की जय करो बलि बता गई करो अच्छा 11 घंटे में 11 ही नहीं अरे डेढ़ बज गयो अच्छा ठीक है ठीक है ईश्वर के गुरु में यदि दारे भक्ति सुजान बिन गुरु भक्ति प्रवीण हूं लहे नहीं आत्म ज्ञान पर
पाई सतगुरु मिलिया निज बतायो ना सहजा सहजा चलता आन पहुंचिया गा संसार का ऊपर आप ज्यादा विश्वास करा और संत और गुरु के ऊपर विश्वास झूठो भी विश्वास कर लेवा ज्ञान ज्ञान भी करण वहां की वाणी पर विश्वास कर लेवा तो अपन फल मिल जाए। ज्ञान ज्ञान संता की शरण में चलिया जावा तो अपन फल मिल मार्ग मिल ही बाकी मिले कौन देखो मोर दज राजा का घर संत गया है ना मोर दज राजा का घर संत कहीं संत की गया वो भांड के ना डाकू जो साधु बन चलिया गया देखियो भाई वो तो बोलो साधु ने मान्य जो मौका को फायदो उठा लो साधु बन चलो और लियो धन दौलत जो साधु बन चलिया गया दो दिन चार दिन राखिया और वहां की सेवा करी और जो सेवा की थी सेवा करता करता ये वो राजा तो कभी बारह चलियो गयो और पाछे वह डाकू आज देखियो का आप चोरी कर तो आया या धन दौलत ले जाबाने आया और अटी बैठा रहे थोड़ा चलो राजा तो क्यों आप यह सामग्री ले लो गांठ बांध तो वो निकलबा का मुंड मीने जो ही बढ़िया जो वह रानी ही जिन्हें तो आगे मार मार की चाबियां ले खजाना का मीनू साधन घंटियां वटियां बांध डाकू बारे निकलिया जो ही बारे निकलिया थोड़े दूर गया और राजा आ गया मोरदज जो ही मोरदज राजा आयो देखते पहली नो अरे का महात्मा का रात न अब दिन में जाना चाहो आप मारे तो रात न किसान जा रहे हो वो है क्यों का बगे तब खूब रही गया न खूब सेवा हुई गई न बे मैं तो माँ का जीव दाब गया और करा जाओ कर नहीं कर सेवा हमारी बाकी का ये हमारी लुगई लुगई की भी सेवा मारी नहीं के वा की तो जो वन मिली फल मो तो सेवा की थी कोने ना पाछो चार लो पेड़ी जदी वो चो डाकू देखियो गा भाई यो तो मान तो रियो कोने राजा है मुंडा गा भाई क्यों गा भाई हासली बात कह दो जो वा हासली बात ही जो कह दी गा है राजा अब मैं तो हां डाकू और वास्तव में साधु कोने ठगबा के बात आया अरे भाई क्यों गा प्रभुड़ो आगो कोई ने तो ही तो चलो है ना वो क्यों के तारी रानी ने तो मेरा मार दी वो क्यों के पूरा बुढ़े हुआ तो पहले पच्चा मरती तो ही मरती है जो काम था का तो वही क्यों पारो मोड़ी बेगी मरनी ही तुझे चलो पाचा ले जा और वहां का पलंग पे बिठा और राजा और निमट स्नान कर आज साफ पानी को कलशो लेन आयो और लान प्रात लान वे पाचा जो नकली साधु आज ने लान बिठाया जगह पग धोया चरण धोया और चरण दोर वा चरणा मत को पानी जो बनियो जीने वा रानी का मुंडा में ले जाए जुई रानी का मुंडा में ना वो पानी डालियो और पांच मिनट मीने बाद मोर दज राजा की जो रानी ही वा डकार खान हचकी खान बैठी जीने वा डाकू मार दी है ना अतिरिक्त देर में नहीं यो काम हो गयो फट देने की देखते ही वह डाकू आ जा को हृदय बदल गयो वह छोरे का गजब है कि अपना पगा को पानी दो नी ने पिलायो चरणा को पानी जतरे अगर ये रानी बैठी होगी आप मारी थे अरे आप नकली साधु आ वे क्यों वो तो साधु कोई ने तू तो साधु मां थारे वे फायदो और वक वे है ना विश्वास करके देखो विश्वास कर ले वो तो उठे भी फायदा हो जाए पर विश्वास न करन यानी हुई आगे गुरु लोभी चेला लाल से हिल मिल के ले दा ये दो ही डूबी बेट पत्थर की ना ये बात तो वो वास्तव में नकली आज का असली हो गया आपना मिने भी सत्संग का मिना जाबा अब अगर बदलाव आन चेंजिंग आ जावे शांति मिल जावे है ना सत्संग को असर पड़ जावे कुछ शांति मिल बा लाग जावे तो समझ लेनो कि भाई हल्का उबल आ गया बस वाह वाह